गाइस, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और अभी बज रहे हैं 3 और सबको खाने का मन है बहुत ही टेस्टी वाला गोभी का पकौड़ी। एंड गाइस, ठंड में किसको किसको पसंद है गोभी की पकौड़ी खाना मुझे जरूर बताना। एंड गाइस, अभी इस मौसम में ना कुछ अच्छा सा चटपटा सा तीखा सा खाने का मन करता है, तो मैं जा रही हूँ अभी फटाफट से बनाने। एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे गोभी को कट किया है। फिर बनाते हैं एंड मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। गाइस, बहुत ही सिंपल मेथड में बनाती हूँ मैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं और बहुत ही यम्मी बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्मॉल पीसेस में गोभी को कट कर लिया है एंड अब पहले इसको वॉश करना है। मैं थोड़ा अपना बाल बांधूँ क्योंकि किचन में बाल खोल के काम करना वेरी बैड। दिस इज माय न्यू हेयर स्टाइल। पहले हम डालेंगे पहले बेसन। या मेरा तो फेस ही नहीं दिखता पता है। हम क्यों फर्स्ट आई एम एडिंग हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्का सा मीट मसाला। आप एक बार ट्राई करना बहुत यम्मी लगता है। एंड इसमें है जमाइन। आई होप आप समझ रहे हो जमाइन किसको बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है वो, तो आई थिंक आप इसे जो लोग अपनी लैंग्वेज में आई डोंट नो जो लोग नहीं समझते हो कुछ ऐसा इसका आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है जमाइन। ओके, सो हम हल्का सा इतना जमाइन डालेंगे इसमें एंड उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं हल्का सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हो और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। और आपको बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा ना थिक रखनी है ना ज़्यादा थिन रखनी है, आपको उसको नॉर्मल रखना है। अगर ज़्यादा अगर आप थिक रखते हो ना बेसन को, देन क्या होता है कि आपकी जो गोभी है
वो बहुत टाइम लगी फिर पकने में. सॉरी गाइस, गोभी, इट्स गोभी नॉट गोभी. एक्चुअली मुझे आदत है गोभी बोलने की, बट इट्स गोभी. So now you can see, इसको मैं अच्छे से मिला ली हूँ और अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल को गरम करेंगे. इसमें हम डालेंगे ऑयल, बट पहले इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं. तब तक मैं थोड़ा सा अपना किचन ठीक कर लेती हूँ जो कि बिखर गया है. सो गाइस, अभी जो ये पैन है वो गर्म हो चुका है. इसमें हम डालेंगे ऑयल. आप ऑयल की क्वांटिटी देख सकते हो, मैंने अब प्रोसेस में बड़े वाले कप से फुल 2 कप ऑयल इसमें डाला है. मतलब इतना होना चाहिए जितने में आपका गोभी जो है वो अच्छे से, गोभी जो है वो अच्छे से डूब जाए तेल में. सो गाइज, यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है. स्टे सेफ.
दाल गरम कर रहा है तो मिर्ची वाला खाएंगे कहा चार गले की है कि ना चले गए पता नहीं है क्या हमें सही बात करनी है गरम नहीं करता है आपको गरम नहीं करता है आपको ठंडा लगेगा